सीहोर वाले महाराज की कथा आज से पंडित प्रदीप मिश्रा की श्री शिव महापुराण कथा आज से होगी शुरू। दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक होगा कथा का आयोजन। नमस्कार, मैं हूँ निर्मला वशनारिया और आप देख रहे डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज। देखिए रतलाम की विशेष खबर। पंडित प्रदीप मिश्रा रतलाम के हर थली में आज से श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन शुरू करने जा रहे हैं। रतलाम के हर थली में पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण कथा का पाठ करेंगे। रतलाम में इस बहुप्रतीक्षित आयोजन की शुरुआत आज से होने जा रही है। कथा का आयोजन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। कथा के दौरान प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक 108 जोड़ों द्वारा रुद्राभिषेक किया जाएगा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु शिव महापुराण का श्रवण करने पहुंचेंगे, जिसके लिए पुलिस प्रशासन के साथ आयोजन समिति ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। आयोजन स्थल तक पहुंचने के मार्गों पर यातायात व्यवस्था भी पुलिस प्रशासन ने की है। आयोजन स्थल तक पहुँचने के लिए इन मार्गों का करे चयन। बाजना की तरफ से आने वाले बाजना बस स्टैंड से शंकरगढ़ त्रिवेणी मेला ग्राउंड से कथा स्थल कनेरी रोड, जावरा मंसौर नीमच रोड से आने वाले सेज आवता से बंजली बाईपास मेडिकल कॉलेज, राम मंदिर से कस्तूरबा नगर डोंगरे नगर उत्कृष्ट स्कूल, बाजना बस स्टैंड से त्रिवेणी मेला ग्राउंड से कथा स्थल पर, इंदौर उज्जैन धार से आने वाले सालाखेड़ी पुलिस चौके से करमदी गाँव होते हुए जैन मंदिर से मथुरी गाँव होते हुए कथा स्थल, अलीराजपुर जाबुआ पेटलावत से आने वाले रानी सिंह से कनेरी होते हुए कथा स्थल, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से आने वाले चांदनी चौक त्रिपोलिया गेट गढ़ कैलाश महादेव मंदिर से होते हुए कथा स्थल पर आ सकते हैं। कथा समाप्ति के बाद ऐसी रहेगी एकांकी मार्ग व्यवस्था। कथा समाप्ति उपरांत कनेरी रोड त्रिवेणी मोती नगर कल्याण नगर मार्ग वन वे रहेगा, अर्थात त्रिवेणी की ओर से कथा स्थल की ओर सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। वाहन चमारिया नाका से करमदी मथुरी होते हुए ग्राम कनेरी की ओर जा सकेंगे। कनेरी रोड त्रिवेणी मोती नगर अमृत सागर तालाब रोड वन वे रहेगा, यहाँ रहेगी पार्किंग व्यवस्था। कनेरी विंध्यवासिनी पार्किंग ग्राम लाल गुवाड़ी रानी सिंह जाबुआ अलीराजपुर धार राजगढ़ एवं गुजरात राज्य की तरफ से आने वाले टू व्हीलर एवं मध्यम फोर व्हीलर वाहनों की पार्किंग विंध्यवासिनी कॉलोनी कनेरी के पास की जाएगी। मथुरी पार्किंग इंदौर उज्जैन धार नीमच मंदसौर तरफ से आने वाले टू व्हीलर एवं मध्यम फोर व्हीलर वाहनों की पार्किंग ग्राम करमदी जैन मंदिर से होकर ग्राम मथुरी वाहन पार्किंग में की जाएगी। कनेरी व त्रिवेणी पार्किंग रतलाम शहर सेलाना जावरा बाजना रावटी राजस्थान राज्य की ओर से आने वाले टू व्हीलर एवं मध्यम फोर व्हीलर वाहनों की पार्किंग त्रिवेणी मेला ग्राउंड एवं कनेरी पुलिस लाइन के सामने वाहन पार्किंग में की जाएगी। हरथली पार्किंग ग्राम हरथली से आने वाले वाहनों की पार्किंग कथा स्थल के पीछे ही हरथली पार्किंग में की जाएगी। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।